आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर युवा संघर्ष मोर्चा दिलीप सिंह के नेतृत्व में बिजली विभाग और डीवीसी का पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से धनबाद में बिजली की काफी समस्या हो रही है, उसे देखते हुए दिलीप सिंह ने आज आंदोलन शुरू कर दिया। नेशनल टुडे लाइव के माध्यम से आप जान पाएंगे। देखिए युवा नेता क्या कह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर बिजली विभाग और डीवीसी का पुतला जलाएं। आज जिस तरह से बिजली का समस्या से धनबाद की जनता जूझ रही है, देखा जा रहा है कि या अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि और देखने को भी मिल रहा है कि 18 घंटा बिजली यहाँ का जनता को मिलेगा, जो कि 18 घंटा से भी बढ़ के 20 घंटा बिजली काटा जा रहा है, जो कि यहाँ के जनता बिजली बिल समय पर दे रही है। उसके बाद भी आज ये समस्या है कि यहाँ के लोगों को बिजली कटौती की जा रही है। यहाँ की जमीन है, यहाँ पर प्लान डीवीसी अपना की हुई है और डीवीसी यहाँ के लोगों को जिस तरह से कटौती कर रही है, यहाँ के लोगों जो अपना मूल यहाँ का कोयला है, कोयला यहाँ से कोयला हर जगह जा रही है और यहाँ से डीवीसी जो कटौती कर रही है उसका विरोध में युवा संघर्ष मोर्चा आज पुतला दहन कार्यक्रम किया। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ का जो धनबाद का जनता है उसको जिस तरह से वो पैसा देने में पीछे नहीं हट रही है, उसी तरह यहाँ का यही मांग हम लोग करते हैं कि उसे बिजली जिस तरह से आज चुनाव के समय जो घोषणा किया जाता है कि 24 घंटे बिजली दिया जाएगा और फ्री बिजली दिया जाएगा, हम लोग यही मांग है कि उसे बिजली सही रूप से मिले। आपका जो पे कर रहे हैं जो यहाँ के जनता आज जिस तरह से यहाँ के जनता को जो पे कर रहे हैं उस हिसाब से बिजली मिले। क्या लग रहा है दोस्तों?